गगनयान मिशन को लेकर इसरो को मिली एक और कामयाबी। मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट रहा सफल। गगनयान मिशन को लेकर सबसे बड़ी टेंशन हो गई दूर। 8810 सेकंड में इसरो ने चार इंजन पर कर डाला धमाका। दोस्तों, भारत का इसरो गगनयान मिशन को लेकर हर दिन नई नई सक्सेस हासिल कर रहा है, क्योंकि मिशन ही तय करेगा कि भारत स्पेस का शहंशाह बन सकता है या नहीं। स्पेस टूरिज्म जिसे भारत अरबों डॉलर कमाने का प्लान कर रहा है, और ये क्योंकि इसकी पहली सीढ़ी है, इसलिए स्पेस टूरिज्म में भारत कितना सफल हो पाएगा या नहीं, ये सब कुछ इसरो का गगनयान मिशन तय करेगा। यानी आप ये मानकर चलिए कि भारत के इसरो ने अब तक चंद्रयान मिशन, मंगलयान या फिर बाकी जितने भी मिशन किए हैं, गगनयान मिशन उन सारे मिशन में सबसे अहम है, क्योंकि मिशन में भारत का भविष्य छिपा है। यही कारण है कि दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां करीब से इस मिशन को देख रही हैं। इसरो भी मिशन को लेकर बिना किसी आंशिक असफलता के लगातार अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में इसरो ने आज एक और दमदार उपलब्धि हासिल की है, और आज इसरो ने जो हासिल किया है, यकीन मानिए इस पूरे मिशन की असल रीढ़ में यही है, यानी इस मिशन को स्पेस में लेकर जाने वाला इंजन। अगर ये सही फिट बैठ गया तो समझो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आज इसको लेकर इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मात्र 8810 सेकंड में इसरो ने वो काम कर डाला जो अब तक मुश्किल लग रहा था। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, गगनयान मिशन से जुड़ी इस खबर को विस्तार से बताएंगे, इस इंजन की खासियत भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसरो के हमारे वैज्ञानिकों के इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चलिए अब जानते हैं इसरो की तरफ से आई दमदार खबर क्या है। गगनयान मिशन के लिए इसरो की एक और छलांग। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर मिली बड़ी कामयाबी। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को मिला सेफ्टी सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस मिशन का सबसे अहम कड़ी को इसरो ने पार कर लिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया। इसरो ने इस इंजन का सफल परीक्षण कर लिया और टेस्ट में इंजन ने बखूबी काम किया, जिससे ये साफ हो गया कि इंजन अब मिशन के लिए रेडी है। CE-20 इंजन को ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक चार इंजन पर कुल 8810 सेकंड तक के लिए 39 हॉट फायरिंग टेस्ट किए गए। ये इंजन ह्यूमन रेटेड LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक स्टेज के पावर के दौरान काम करेगा। मानव मिशन में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक इंजन को ह्यूमन रेटिंग देने के लिए इंजन का वैक्यूम इग्निशन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के सफल होने पर ही इंजन को ग्राउंड क्वालिफिकेशन क्लियरेंस मिलता है। इंजन का सातवां और आखिरी वैक्यूम इग्निशन टेस्ट 13 फरवरी को महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स स्थित हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी में किया गया। CE-20 इंजन की ह्यूमन रेटिंग के लिए होने वाले ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट के दौरान कई पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। इसके तहत लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है। ये सभी टेस्ट नॉमिनल ऑपरेटिंग कंडीशन में किए जाते हैं। गगनयान मिशन के लिए CE-20 इंजन के सभी ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट अब सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। गगनयान की पहली अनमैन्ड फ्लाइट इस साल के दूसरे क्वार्टर के लिए प्रायोजित है। यह इंजन ह्यूमन रेटेड LVM-3 व्हीकल के अपर स्टेज को पावर करेगा। इसकी थर्स्ट कैपेसिटी 19-22 टन की है। दोस्तों, अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये क्रायोजेनिक इंजन है क्या चीज। दरअसल, आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन तीन प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन का सॉलिड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो यह हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी कि दूसरे स्टेज पूरी होते ही यह हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहा जाता है। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी कि ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे, और उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे -183 डिग्री और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें जीरो से भी कम तापमान पर स्टोर करना बड़ा टफ टास्क होता है। आपको बता दें कि लॉन्च व्हीकल Mk-3 यानी कि LVM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। यह पहले जियोसिंक्रोनिक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk-3 यानी कि GSLV-Mk-3 कहा जाता था। आमतौर पर इसे बाहुबली भी कहा जाता है। अंतिम परीक्षण में सफल रहा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने कहा कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव मिशन के लिए अंतिम परीक्षण में सफल रहा है। इंजन की टेस्टिंग से इसकी क्षमता का पता चला है। इसरो के मुताबिक पहली मानव रहित उड़ान LMV-3G1 के लिए चुनी गई CE-20 इंजन टेस्ट के दौरान सभी जरूरी परीक्षणों से गुजरा है। अब मिशन के अगले चरण के लिए इसरो तैयार है। कई परीक्षण के बाद CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल चुका है।
इसरो ने कहा कि ये ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट इसीलिए जरूरी होता है ताकि इंजन ठीक से काम करेगा या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि गगनयान मिशन इसरो के द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है। मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं। इन 3 मिशन में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। बुधवार को इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की। इस मिशन में HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का खास योगदान है। HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का मुख्य काम इसरो के गगनयान कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इसमें पूरे भारत में इसरो के केंद्र, रिसर्च लैब्स, विश्वविद्यालय और उद्योगों को जोड़कर काम किया जाता है। HSFC इंसानों को अंतरिक्ष भेजने से जुड़े कामों का प्रमुख केंद्र है, इसलिए वे सुरक्षा और विश्वसनीयता के मानकों का पूरा पालन करते हैं। वे नई तकनीकों पर रिसर्च करते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए जरूरी सिस्टम, इंसानों के लिए जरूरी डिजाइन, अंतरिक्ष जीव विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और अंतरिक्ष के लिए उपकरण बनाना इत्यादि। ये सब आने वाले समय में इंसानों को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रखने, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और चांद, मंगल और आसपास के ग्रहों पर जाने के मिशन के लिए बेहद जरूरी है। मात्र 3 दिन का होगा गगनयान मिशन। 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे 3 एस्ट्रोनॉट्स। इसरो के गगनयान मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये तीनों एस्ट्रोनॉट 3 दिनों तक 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे और फिर वापस पृथ्वी पर ही आएंगे। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। यह मिशन सफल होंगे उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के गगनयान मिशन में 90 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि गगनयान मिशन 5 चरणों में पूरा होगा। इसका अंतिम चरण तब खत्म होगा जब एक अंतरिक्ष यान में 3 इंसानों को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे पहले इसरो कई स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए। इसलिए पिछले साल एजेंसी ने टेस्ट फ्लाइट किया, जिसके जरिए यह टेस्ट किया गया कि इंसानों को ले जाने वाला कैप्सूल सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लौट सकता है। मिशन के चरणों में सबसे पहले कई ड्रॉप टेस्ट, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि हवा से जमीन पर कैप्सूल गिरने से क्या कोई नुकसान हो रहा है या नहीं। इसके बाद मिशन के तहत पैड अबॉर्ट टेस्ट और टेस्ट व्हीकल उड़ानों की टेस्टिंग की जाएगी। बता दें कि गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है। इसे मानव को ले जाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है और इसका नाम रखा है HLVM-3। यह रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के जरिए उड़ान भरेगा। ये रॉकेट 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रहने वाले ऑर्बिटल मॉड्यूल को ले जाएगा। इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अगर रॉकेट के उड़ने के समय या अंतरिक्ष में जाने के दौरान कोई दिक्कत हो जाए तो क्रू एस्केप सिस्टम तुरंत चालू होकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाएगा। आपको बता दें कि गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा उनकी बेंगलुरु में स्थित स्पेस यात्री ट्रेनिंग फैसिलिटी में खास ट्रेनिंग अभी से चल रही है। उन्हें मिशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी की क्लास, फिजिकल फिटनेस, सिम्युलेटर, स्पेस सूट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में थ्योरी, गगनयान के सिस्टम को समझना, जीरो ग्रेविटी में काम करना और रहना, अंतरिक्ष में जीवित रहना और सुरक्षित वापसी की ट्रेनिंग, उड़ान के तरीके सीखना और सिम्युलेटर पर अभ्यास करना शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर्स की सलाह, नियमित उड़ान अभ्यास और योग की भी ट्रेनिंग एक इसका हिस्सा है।